हारमोनियम पर तेज उंगली कैसे चलाएं? हारमोनियम के बटन पे अपने उंगली को तेज चलाने के लिए आज मैं एक खास प्रैक्टिस का तरीका लेकर के आया हूँ। आप इस तरीके को जानकर आसानी से अपनी उंगलियों की स्पीड बढ़ा सकते हैं हारमोनियम के ऊपर, क्योंकि जब तक आपको इन सारे बटन के स्वर और सही तरीके से जब तक उंगलियां नहीं चलेंगी, तब तक कोई भी गाने को निकालने में दिक्कतें होता रहेगा। तो इसलिए आज मैं आप लोग के सामने, आप लोग के बीच में थाट विलावल से सातों अलंकार का रियाज बताने जा रहा हूँ। उंगलियाँ स्पीड करने के लिए आपको अलंकार का रियाज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक अलंकार ही ऐसा माध्यम है जो कि हारमोनियम पर आपको तेज उंगलियाँ चलाने का सबसे अच्छा रियाज है। इसके लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से रियाज भी पूरा हो जाएगा और थाट बिलावल के अलंकार भी आपको मालूम हो जाएंगे। थाट बिलावल की बात करें तो सबसे पहले हम पहले काले को हम सा मानते हैं, दूसरे काले को रे, उसके बाद तीसरे काले से ठीक पहले वाले नीचे वाले बटन को शुद्ध गा, उसके बाद तीसरे काले को मा, चौथे काले को पा, पांचवें को धा, और फिर देख रहे हैं आप तार सप्तक के साथ से पहले शुद्ध नी, और रियाज में तार सप्तक का सा भी रहेगा। तो आप देख सक, इतना बटन को आप कवर कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। अब इसका जो रियाज है वह किस तरीके से करना है देखना है आपको। सबसे पहले पांच उंगलियों को इस तरीके से कहाँ पे कौन सा बटन पे कौन सा उंगली से प्रेस करना है वह देखना है। तो पहले काले के लिए हम थाट विलावल का जो सरगम है उसके लिए ये उंगली रहेगा सा पे, दूसरा रे, उसके बाद अंगूठा रहेगा गा पे, फिर यहाँ पे तर्जनी मा पे, फिर यहाँ पे देख रहे हैं बीच वाला उंगली पा पे, फिर यहाँ पे धा पे, फिर अंगूठा नी पे, और इसे आप ये, फिर जब अवरोह में आएंगे, ये आरोह था अवरोह में, फिर सेम उसी तरीके से यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर। ये थाट विलावल का पहला अलंकार है। अब दूसरे में आते हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, एक एक जो जिसका उंगली है, जो जिसका फिंगर है जिस बटन के लिए, उसी फिंगर को प्रयोग करने से। इस तार सतक के साह के लिए आप ये दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, क्लियर। फिर अवरोह में जाएंगे, क्लियर। ये हो गया सिंगल बटन, ये दूसरा अलंकार था। अब तीसरे में हम क्या करेंगे, दो दो बटन के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे कि सा रे, उसके बाद रे गा
रे को छोड़ेंगे गा मा, फिर गा को छोड़ेंगे मा पा पा धा धा नी सा, फिर वापस सा नी धा धा अब तीसरा में जो है, अब तीन तीन बटन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। एक एक बटन को हमेशा छोड़ के जाना है और एक एक बटन के साथ आगे बढ़ना है। जैसे क्लियर, अब इसी तरीके से चौथा अलंकार जो है चार चार पटम के साथ हम बढ़ेंगे। एक दो तीन चार, फिर वापस पांचवें अलंकार में हम पांच बटन को लेकर के बढ़ेंगे। फिर वापस और छठा अलंकार के रियाज में हम, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छः, इसके अब उसी तरीके से फिर हम वापस आएंगे छः छः बटन को लेकर के। सातवें अलंकार का रियाज में हम सातों पटम को एक साथ, यानी जो पहला था वह लास्ट में आएगा, या फिर लास्ट वाले को पहले लेते हैं तो पहले वाला लास्ट में आएगा, और अगर पहले वाले को लास्ट में लेते हैं तो, यानी मिला के एक ही रियाज है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप हारमोनियम पर बैठे तो इस अलंकार को आप पहली रियाज एक दो बार कर लें, ताकि आपकी जो उंगलियाँ हैं ना, कभी भी कोई भी स्केल में बजाने के टाइम में दूसरे स्केल में ना जाए, और आपकी कोई भी गीत जब निकालते हैं तो कटे ना, क्योंकि स्वर कटने के बाद थोड़ी दिक्कतें होती है। तो इस तरीके से आप आसानी से सीख सकते हैं और अपनी उंगली को तेज़ी से घुमा सकते हैं हारमोनियम के ऊपर। तो यह जानकारी कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी तक हमारे आरसी फिल्म को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, आने वाला अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।